दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मारे जाने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कैन रोड ने एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया है जिसमें एक शर्मा और उनके बेटे की एक शॉप थी और उनके कार्यकर्ता जो उनके नौकर थे वो ही शॉप के अंदर थे। जैसे ही कैन रोड ने आज सुबह 3:15 बजे धमाका किया तो वो दुकान में ही दबकर मर गए और कुछ लोग बताया जा रहा है कि अस्पताल में रेफर कर दिया गया उनको और उनका इलाज जारी है। कैंट बोर्ड ने कौन से बम होते इन पूरी बिल्डिंग को उठाकर उड़ाकर एक पूरे परिवार का सामूहिक हत्याकांड कर दिया। क्या पूरा कैंट बोर्ड होती है इसका। जैसे ही बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे तो जनता काफी आक्रोशित दिखी और उनसे उचित कार्रवाई की मांग की। इसमें निश्चित रूप जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो कैंट के अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। कैंट प्रत्याशी सतेंद्र सोलंकी जी भी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर जो लोग मरे थे उनके घर वालों को सहायता दी। कह रहा है कि मेरे बच्चे बच रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ, सब तोड़ दिया। नहीं, उसे बिना ये बात होना आपको चल जाने देखते रहिए। आई एस एन 7 न्यूज मेरठ।